सभी को घूमने का बेहद शौक होता है। नई जगहों को देखने और घूमने का हर कोई शौकीन होता है। आज से नहीं, बहुत सालों से भारत में या भारत से बाहर लोग आते जाते रहते हैं, तो वहीं टूरिस्ट के साथ कई बार कई जगहों पर कुछ अजीबोगरीब वाक्य होते दिखे हैं। आज ये वीडियो जो हम आपके सामने लाए हैं, इसमें आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है और भारत में ऐसे कौन से होटल हैं जिनमें अक्सर कुछ पेचीदा चीज़ें होती रहती हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत से आलीशान भवनों और होटल्स का निर्माण करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल बड़े ब्रिटिश अधिकारियों और वायसराय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड से भारत घूमने आए अंग्रेज भी इन्हीं भवनों में रुकना पसंद किया करते थे। हालांकि आज़ादी के बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई, लेकिन वे भवन और होटल्स आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बहुत से भवनों को हेरिटेज घोषित कर दिया गया, जबकि कुछ होटल खंडर में तब्दील हो गए। माना जाता है उस दौरान बनाए गए बहुत से होटल आज अपनी संरचनात्मक खूबसूरती से ज़्यादा डरावने अनुभवी के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि इस होटल में भूत प्रेतों का साया है। रहस्य की पड़ताल में आज हमारे साथ जानिए भारत में मौजूद उन पुराने भवनों और होटल्स के बारे में जो अब भटकती आत्माओं का अड्डा बन चुके हैं। उनमें से कुछ होटल्स के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मॉर्गन हाउस, पश्चिम बंगाल। मॉर्गन हाउस पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग नामक हिल स्टेशन पर स्थित है। इस होटल की संरचना कुछ ऑस्कर वाइल्ड की प्रसिद्धि किताब द कैटरविले गोस्ट के महल से बहुत हद तक मेल खाती है। यह होटल भारत में अंग्रेजी शासक के दौरान बनाया गया था। यह होटल जितना पुराना होता गया, इससे रहस्यमय कहानियां जुड़ती चली गईं। जानकारों का मानना है कि इस होटल पर किसी भटकती आत्मा का साया है। यहाँ रुकने आए सैलानी अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत कर चुके हैं। यह बंगला 1930 में जॉर्ज मॉर्गन, एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाया गया था, लेकिन उनकी पत्नी लेडी मॉर्गन की मृत्यु के बाद यह बंगला वीरान हो गया। माना जाता है कि यहाँ लेडी मॉर्गन की आत्मा भटकती है। रात के दौरान यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। ब्रिजराज भवन, कोटा। ब्रिजराज भवन राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। इस होटल का इतिहास भी भारत में अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। इस भवन में कभी मेजर चार्ल्स बर्टन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी रहा करता था, जिससे इस भवन की रहस्यमय कहानी जुड़ी है। इस भवन का निर्माण 19वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, जिसे बाद में एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यह होटल काफ़ी अच्छी अवस्था में है, लेकिन समय के साथ साथ इस होटल से कई रहस्यमय कहानियाँ जुड़ती चली गईं। माना जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान चार्ल्स बर्टन और उनके परिवार की इसी होटल में हत्या कर दी गई। माना जाता है कि यहां आज भी मेजर का भूत भटकता है। जानकारों का मानना है कि आधी रात के दौरान यहां अनहोनियां घटती रहती हैं। होटल स्वाय, मसूरी में। उत्तराखंड के मसूरी स्थित स्वाय होटल भारत के एक ऐतिहासिक होटल्स में शामिल है, जिसका निर्माण 1902 में करवाया गया था। यह होटल काफ़ी खूबसूरत है, जहां राजा महाराज से लेकर राजनेता भी ठहर चुके हैं। अपनी खूबसूरती के साथ साथ यह होटल भारत के चुनिंदा भूतय होटल में भी गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि यहां किसी ब्रिटिश लेडी की आत्मा भटकती है। उस महिला का नाम लेडी गॉर्नेट आर्मी था, जो सन 1911 में यहाँ रहने आई थी, लेकिन कुछ समय बाद लेडी गार्नेट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मौत की वजह आज तक किसी को पता नहीं लग सकी। जानकारों का मानना है कि इस होटल में उस ब्रिटिश महिला की आत्मा भटकती है। शाम के बाद होटल के कुछ कमरों में से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। राजकिरण होटल, लोनावला। राजकिरण होटल लोनावला में स्थित है, जो अपने डरावने अनुभवों के कारण ज़्यादा चर्चा में आया। माना जाता है कि इस होटल में असामान्य घटनाएं घटती हैं। जानकारों का मानना है कि इस होटल के रिसेप्शन के पीछे कोने में से एक कमरा है, जहां किसी प्रेत का साया है, इसलिए यह कमरा बाकी कमरों की तुलना में ज़्यादा खाली रहता है।
इस रूम में कोई ठहरना नहीं चाहता है। कई ग्राहक ये शिकायत कर चुके हैं कि इस कमरे में रात को सोते वक्त कोई अदृश्य शक्ति चादर खींच लेती है। इसके अलावा यहाँ रात के दौरान डरावनी नीली रोशनी भी दिखाई देती है। इन अजीबोगरीब घटनाओं ने इस होटल को चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में शामिल कर दिया है। मुंबई स्थित ताज होटल से पीछे भी कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं। होटल में ठहरने आए सैलानी और काम करने वाले कर्मचारियों ने यहां अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। इस होटल का डिजाइन एक ब्रिटिश वास्तुकार डब्ल्यू चेम्बर्स ने तैयार किया था। माना जाता है कि वे होटल का ब्लूप्रिंट तैयार कर इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन जब वे वापस यहाँ आए तो यह देखकर चौंक गए कि होटल उनके द्वारा निर्धारित दिशा के उलट बनाया गया है। यह सब देखकर उस वास्तुशास्त्र ने होटल की पांचवी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि इस होटल में आज भी चेम्बर्स की आत्मा भटकती है। तो ये थे वो चुनिंदा कुछ होटल जिनके बारे में हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है, जो अब तक के सबसे हॉन्टेड होटल्स में जाने जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी रहस्यमय कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें VFN न्यूज़।